हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवीस ट्रैवल चैनल। इस व्लॉग में मैं आपको ले चलूंगा कश्मीर की हसीन वादियों में, और हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज करूंगा कि कैसे आप कश्मीर का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, क्या बेसिकली आइटनरी होती है जो आप प्लान कर सकते हैं, कितना बजट होता है कश्मीर के ट्रिप के लिए, एंड अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से क्या क्या होटल मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, मैं वो भी आपको शेयर करूंगा इसमें। और मैंने अपना मोस्टली ट्रिप विंटर में प्लान किया था, तो हमने कुछ प्लेसेस जो अक्सर टूरिस्ट करते हैं वो कवर किए, और कुछ हिडन प्लेसेस, हिडन जेम्स ऑफ कश्मीर भी कवर किए। तो डिले ना करते हुए चलिए कश्मीर के वादियों के नज़ारे लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने अपना सफर स्टार्ट किया था दिल्ली से बाय रोड टू कश्मीर, बट आप कोई भी ट्रांसपोर्ट चूज कर सकते हो। दिल्ली से बहुत सारी ट्रेन, बसेस, डायरेक्ट फ्लाइट भी जाती है श्रीनगर तक, विच यू कैन चूज। ट्रेन सिर्फ जम्मू तक जाती है, कटरा तक जाती है, बट जम्मू तक बाकी की लाइन्स अभी बन रही हैं, काम चल रहा है श्रीनगर पे, वो भी जल्दी रेडी हो जाएंगी। तो हम चार दोस्त ऑफिस से निकल पड़े 4 बजे के करीब श्रीनगर के लिए। रुकते रुकाते खाते पीते हम पहले पहुंचे केसर ढाबा मूर्थल में, वहां पे चाय पकौड़े का नाश्ता किया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉप था हमारा जलंधर हवेली, जो कि हम पहुंचे रात को 9:30 बजे। वहां हमने ली सारे टाइप की डिफरेंट डिफरेंट थालियां, क्या माहौल था, बहुत खाना अच्छा था। फिर हम निकल पड़े वहीं से जम्मू, जो कि हम पहुंचे रात को 2 बजे। ये लिस्टेड प्राइजेस हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन के बजे पहुंचने के बाद जम्मू हम 4-5 घंटे रेस्ट किया, और तकरीबन 10 बजे ब्रेकफास्ट करके हम जम्मू से श्रीनगर की तरफ निकल गए। रास्ते में बहुत सारी आपको लंबी लंबी टनल्स मिलेंगी जम्मू से श्रीनगर के बीच में। एक टनल है चेनानी टनल, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से है। वो 9 किलोमीटर लॉन्ग टनल है, एशिया के सबसे लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड टनल है वो, जो जम्मू से कश्मीर में मिलेगी। और भी बनिहाल 8.5 किलोमीटर और जोहार टनल भी मिलेंगी आपको। लेकिन एक बात, जम्मू के वर्ल्ड फेमस राजमा मत मिस करना, जो उसके रास्ते के बीच में आते हैं, पीरा करके जगह है, अनारदाने की चटनी के साथ बहुत टेस्टी है। रास्ते में आपको बनिहाल एरिया मिलेगा, जो थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है एज कंपेयर टू अदर एरिया बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर, और पुलवामा जहां पे अटैक हुआ था वो भी मिलेगा आपको रास्ते में। तो पुलवामा है कितनी दूर यहाँ से? ये अच्छा, ये पुलवामा का वाटी है। तो जो अटैक हुआ था वो यही रोड पे हुआ था या अंदर? अच्छा, ये बैट फैक्ट्रीज भी आ गई सारी ना, या इंग्लिश वेलो वाले बैट्स मिलते हैं। 9 घंटे के सफर के बाद जम्मू से श्रीनगर पहुंचे हम लाल चौक पे, उसी के आसपास हमारा होटल था। अपने होटल कश्मीर में जेके टीडीसी की साइट से बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी, आप अपनी डेट्स और अपने नाइट्स डाल के और कितने नंबर ऑफ अडल्ट डाल के आप सर्च कर सकते हो। इसमें से कुछ ऑप्शंस आपको श्रीनगर की मिल जाएगी, जो आप सिलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन सर्टेन प्राइस जो आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसके अलावा आप गुलमर्ग, पहलगाम और जहाँ जहाँ पे भी आपको रुकना है उसकी साइट के अकॉर्डिंग आप इसको अपने अकॉर्डिंगली एडिट करके मॉडिफाई कर सकते हैं सर्च को, और चेंज करके आप रूम की कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड हाउस बोट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और हाउस बोट के लिए अगर आपको प्राइवेट सिलेक्ट करना है या वहां से ऑप्शन चूज करनी है, तो आप booking.com पे भी जा सकते हो, जहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगी श्रीनगर में, और डिफरेंट डिफरेंट हाउस बोट्स की जॉब सिलेक्ट करके सर्च
रह सकते हो। इसकी कॉस्ट अराउंड 700 से स्टार्ट हो जाती है हाउस बोट की, तो आप उसके लिए बेस्ट साइट है अगोड़ा। अगोड़ा साइट से आप डिफरेंट डिफरेंट हाउस बोट्स के रेट्स चेक करके और अकॉर्डिंगली रूम सेलेक्ट कर सकते हो। आप आपको पे इन एडवांस की प्लानिंग की भी जरूरत नहीं है, आप 2-3 वीक्स पहले भी प्लान करोगे। जैसे कि मैंने अभी जस्ट सर्चिंग के लिए डेट डाल लिया 20 जून, जो कि 2 वीक्स एट एडवांस है, तो मुझे एक हाउस बोट मिल रही है 897। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस में आपको मिल जाएंगे, सो यू कैन बेसिकली डू दैट। ये देखो जबरदस्त व्यू भाई, कबूतरों का पूरा मजा आ रहा है। ये यहाँ पे उन्होंने दाना डाल दिया, देखिए। हाँ, उड़ने उड़ नहीं रहे। हाँ, इसीलिए ये भी स्वर्ग ही समझ रहे हैं इसको। श्रीनगर में पहले दिन कबूतरों से शुरुआत करते हुए डल लेक के नजारे लेते हुए हम निकल पड़े शंकराचार्य टेम्पल की तरफ। श्रीनगर में आप जहां पे भी जाओगे या श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में भी जाओगे पूरे कश्मीर में, आपको हर जगह आर्मी के चेक पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे आपकी चेकिंग होगी। ये शंकराचार्य के रास्ते में भी एक चेक पॉइंट था, उसका रास्ता भी काफी स्टीप था, तो अक्सर लोग लोकल टैक्सी ड्राइवर वहां से ले लेते हैं, जो कि वो उस रास्ते से जाके आपको शंकराचार्य टेम्पल में छोड़ के वापस ले आते हैं। टेम्पल शंकराचार्य हिल पे है और ये श्रीनगर के बीचों बीच ही है सिटी में, और इसमें 240 स्टेप्स हैं, 240 स्टेप्स जो आपको चढ़ के जाना पड़ता है ऊपर। इसमें कहते हैं आदि शंकर ने विजिट किया था 8th सेंचुरी में, और इसकी स्टेयर्स जो हैं वो गुलाब सिंह, जो कि डोगरा किंग थे अर्ली 1800 1800 में, यहाँ पे ऊपर शिवलिंग की स्थापना है, तो लोग इतनी ठंड में भी नंगे पैर जाते हैं ऊपर। ऊपर जाके रास्ता भी इसका काफी नैरो हो जाता है जहाँ दर्शन से पहले, और इसको करने के बाद फिर हम वापस चल पड़े डल लेक की तरफ। शिकारे में गरम गरम कावा मिल रहा है। तुम डल लेक में गंगा की फील ले रहे हो भाई। क्या करें भाई, फीलिंग डल लेक में शिकारा पे बैठोगे आप तो आपके आसपास आके बोट्स रुकती रहेंगी, शिकारे रुकते रहेंगे, अलग अलग मार्केट वाले, कोई कुछ बेच रहा होगा, कोई ज्वेलरी बेच रहा होगा, कोई कोई खाने पीने की चीजें बेच रहा होगा, चलती फुरती पूरी एक सुपर मार्केट है वो। क्या क्या है? पनीर है, मशरूम है, और पनीर टिक्का है। क्या रेट है? अच्छा, चलती फिलती सुपर मार्केट डल लेक में। ये हाउस बोट से नजारे हैं डल लेक के। ये लो जी, ओल्ड सिटी मार्केट में बना रखा है इन्होंने, चारों तरफ हाउस बोट ही हाउस बोट, खाने पीने से लगा करके। वेनिस भाई, वेनिस समाज का सामान, कपड़ा मार्केट यार, देख रहे हैं यार, पानी के ऊपर मार्केट है यार। अच्छा जी, और वो गाना दिखाते ना, बम्बो रोहो बम्बो रोहो श्याम रोहो बम्बो, पीछे पाते आप देख रहे हैं ना, अभी वो सीजन सब फूल के खत्म हो गए, वो सीजन रहता है जून जून जुलाई में। इसके बाद हमने डल लेक में थोड़ी देर और एंजॉय किया, और फिर उसके बाद हम चल दिए मुगल गार्डन, शालीमार गार्डन देखने श्रीनगर में। इस बहुत अच्छी बांसुरी के साथ हमने अपना डे एंड किया, और उसके बाद डल लेक के रात के नज़ारे देखते हुए हमारा फर्स्ट डे श्रीनगर का कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कश्मीर के मेन अट्रैक्शंस कवर करेंगे,
जिसमें कि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमार्ग, और साथ साथ हमने उरी एंड पीओके का बॉर्डर एरिया भी कवर करेंगे, जिसमें हमने स्पेशल परमिशन ली थी वहां विजिट करने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड।